इसराइल के बीच संघर्ष का जो असर है वहां पर फंसे लोगों के परिवारों पर भी पड़ने लगा है। और इस युद्ध में फंसे भारत के नागरिकों की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अमरोहा के एक पति पत्नी की अब परिवार को चिंता सताने लगी है। परिवार के लोग अब उनकी सलामती की प्रार्थना कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अमरोहा का एक जोड़ा शनिवार को हमास के साथ संघर्ष शुरू होने के बाद इसराइल में फंस गया है। भारत में जयदीप कौर के माता पिता अपनी बेटी और अपने दामाद मोहित रंधावा की सलामती को लेकर परेशान हैं। बहुत मुश्किल से करती है, रात को नींद नहीं आती है। ये याद आता कि बच्चे घर आ जाएं बस किसी तरह से। ये बच्चे तो उनकी मम्मी हो तो चिंता तो है जी उनकी। बस यही चाहते हैं कि जितने भी भारतीय बच्चे हैं वहाँ सारे सब अपने सुरक्षित अपने अपने घर आ जाएं। जयदीप और उनकी पत्नी शोध के लिए 2020 में इसराइल गए थे। बच्चों से बराबर बात हो रही है, हफ्ता 10 दिन पहले बेटी ने बताया था कि 12 तारीख की फ्लाइट है, मैं आऊंगी। लेकिन 8 तारीख की सुबह शायद जब हमला हुआ तो फिर वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया आने का उसका, और अब वहीं पर है। जब तक युद्ध नहीं रुकेगा तब तक शायद वो नहीं आ पाएंगी। बाकी बात उससे बराबर हो रही है और कह रही है कि पापा किसी तरह चिंता की वाली बात नहीं है, लेकिन चिंता तो बाप है वहाँ है तो चिंता तो होगी। हमास ने शनिवार को इसराइल पर सबसे बड़ा हमला किया। हमास के आतंकियों ने गाजा पट्टी से बड़े पैमाने पर रॉकेट दागे। जवाब में इसराइल ने भी हमास के ठिकानों पर जोरदार हमला बोला। लड़ाई जारी है और इसराइल में भारत